जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्यूब टॉक। देयर इज समवन इनसाइड योर हाउस, ये एक नेटफ्लिक्स की नई हॉरर स्लैशर फिल्म है जो अब नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो चुकी है। और दोस्तों अच्छी बात यह है कि इसे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज किया गया है। और इस मूवी की टोटल दोस्तों लेंथ है 96 मिनट्स के आसपास। और आपको इसके अंदर कहानी देखने को मिलने वाली है एक हाई स्कूल मर्डर की, जहां पर एक फुटबॉलर का मर्डर हो गया है और मकानी नाम की एक लड़की अब अपने दोस्तों के साथ मिलकर खुद इस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करती है, उसके सामने कुछ ऐसे पार्ट सामने आते हैं जो उससे पास से भी रिलेट करते हैं। तो आगे इस मूवी में क्या होता है, क्या ये सब मिलकर अब उस फुटबॉलर के मर्डर को ढूंढ पाएंगे और उसके मोटिव को पकड़ पाएंगे या नहीं, ये सब जानने के लिए दोस्तों आपको देखनी होगी ये मूवी। लेकिन आइए मैं आपको बता देता हूं इस मूवी में क्या अच्छा है और क्या बुरा, और क्या आपको इस पर अपना 1.5 घंटा स्पेंड करना चाहिए भी या नहीं। दोस्तों अच्छी चीजों की बात करूंगा तो सबसे पहले यहां पर हाईलाइट करूंगा एक्टिंग को। जो भी आपको इसमें एक्टर्स देखने को मिलने वाला है दोस्तों, उनकी एक्टिंग बहुत ही जबरदस्त है। और इसी के साथ साथ टाइम शॉर्ट होते हुए भी उन्हें एक बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप किया गया है। आपको उनकी पूरी हिस्ट्री दिखाई गई है जिससे आप पार्ट से रियली एंगेज हो जाते हैं और देखना चाहते हैं कि आगे ये अब क्या कुछ करने वाले हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ ये सिर्फ एक स्टैंडर्ड स्लैशर हॉरर मूवी नहीं है, इसके अंदर आपको एक अच्छी खासी क्राइम मिस्ट्री भी देखने को मिलेगी जो आपका 1.5 घंटा बहुत ही अच्छे से पास कर देगी। ये एक फास्ट पेस्ड थ्रिलर है दोस्तों, जहां पे इवेंट जल्दी जल्दी होते हुए आपको नजर आएंगे। इस वजह से अगर आप किसी ऐसी मूवी का वेट कर रहे थे जहां पर इवेंट जल्दी हो और आपको सस्पेंस थ्रिलर, सस्पेंस थ्रिल मिस्ट्री ये सब मिक्स करके देखने को मिले, तो दोस्तों ये मूवी आपके लिए काफी डिसेंट मूवी साबित होने वाली है। और अच्छी बात यह है दोस्तों कि इसे हिंदी में भी रिलीज किया गया है। कैरेक्टर्स आपको बहुत ज्यादा मूवी में देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जितने भी कैरेक्टर्स को यूज किया गया है उन्हें काफी अच्छे से यूज किया गया है और उनकी कहानी को आपके साथ जोड़ा गया है ताकि आप उनके हर मूवमेंट को फील कर सकें, जो कि काफी अच्छी चीज है। दोस्तों अगर बात करूं कुछ नेगेटिव्स की, तो कहने को तो ये हॉरर स्लैशर फिल्म है, लेकिन दोस्तों हॉरर के नाम पर आपको इसमें कुछ भी नजर नहीं आएगा। हॉरर इस मूवी में जीरो है। इसी के साथ साथ ब्लडशेड आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलने वाला है क्योंकि ये स्लैशर मूवी भी है, लेकिन हॉरर अगर आप ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। हाँ, उसके एवज में आपको एक अच्छी मिस्ट्री जरूर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे थे कि आपको कोई ऐसी मूवी जो जल्दी जल्दी चले, आपको एक थ्रिल मिस्ट्री दे जाए, तो आप डेफिनेटली दोस्तों इस मूवी को चेकआउट कर सकते हैं। नेटफ्लिक्स पे इस टाइम स्ट्रीम कर रही है। मुझे मूवी काफी डिसेंट लगी, उसका रीजन ये है कि एक एज ऑफ सीट है। हाँ, हॉरर अगर आप ढूंढना चाहेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। मेरा ये एक छोटा सा रिव्यू है इस मूवी को लेकर, क्योंकि ये मूवी छोटी है, ऑलमोस्ट 90 मिनट्स की है। तो यहीं पर मैं रिव्यू को खत्म करता हूं। अंटिल आई गेट बैक टू द नेक्स्ट रिव्यू, इट्स गुड बाय फ्रॉम ट्यूब टॉक।